आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री के आह्वान पर आज प्रदेश व्यापी जन जागरण अभियान यात्रा चलाई जा रही है। कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही इस जन जागरण अभियान यात्रा रीवा विधानसभा क्षेत्र के खौर पंचायत व जोरी ग्राम पंचायत में निकाली गई, जहां ग्रामीणों से देश में बढ़ती महंगाई व गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर संवाद किया गया है। जनजागरण यात्रा के दौरान खौर पंचायत की जनता से स्थानीय समस्याओं को सुना गया और ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई। जनजागरण यात्रा के दौरान आम जनमानस की समस्याओं से रूबरू होते हुए कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष वसीम राजा ने जोरी व खौर पंचायत की जनता के बीच जनजागरण यात्रा अभियान के उद्देश्यों को बताते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार खोखले वादों और झूठी घोषणाओं के दम पर विकास का दावा करती है। उन्होंने कहा कि आम जनता को बिजली और पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इधर रीवा विधानसभा के ग्रामीण प्रभारी रामकीर्ति शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाह है, ऐसी जनविरोधी सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया है, जो अब जन जागरण अभियान यात्रा के माध्यम से शुरू कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बच्चियों के शादी के लिए विवाह के लिए पैसा दिया जाता था, जब कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, इन 15 महीने के लिए कमलनाथ की जनता व्यक्ति और कांग्रेस की जो विचारधारा है गरीबों को साथ लेकर चलने की, पिछड़ों को साथ लेने की, लेकर चलने की, छोटी छोटी बच्चियों के जो शादी और विवाह के लिए है कमलनाथ जी ने वो राशि सुख शादी के लिए कि उस माँ बाप को, जो माँ बाप गरीब है उनके लिए वो दुगनी कर दिया वो रकम, ये कांग्रेस की नियत और नीत है। वृद्धा पेंशन बढ़ा दी गई, गरीबी रेखा का राशन कार्ड फ्री कर दिया गया, लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वो बेटी के विवाह का वो पैसा जो कमलनाथ जी ने बढ़ाया था उसको भी वापस लेने का काम कर रही है। वृद्धा पेंशन में लोगों का नाम नहीं जुड़ रहा है, गरीबी रेखा में नाम नहीं जुड़ रहा है, आवास योजना के नाम में लूट और खसोट मची है। साथियों, समय बहुत हो चुका है, अंधेरा होने चला है। आप सबसे एक बार फिर निवेदन करने आया, कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी है, आपके हर संघर्ष में, हर दुख में, हर समस्याओं में आपके साथ खड़ी रहेगी। कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और कल भी खड़ी रहेगी। इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।